सख्ती भी ज्यादा। आप ये क्या कर रहे हो? भैया तो जगह खाली है? सर इधर बैठ जाइए, इधर खाली है आप लोग बैठ जाइए। अरे भाई कहाँ बैठा लो, देख मेरा ये मरना लोग, ये बैठने लायक नहीं है भाई, इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ नहीं बैठना भाई, बात तो कहाँ बैठा लो तुम्हें, क्या बोला तूने, क्या भाई क्या भाई भाई अभी रुक जा, इसको बाद में देख लेंगे, देख लियो बाद में, देख लूंगा तेरे को भी, अबे फालतू बात करता यार ये भी। भाई मुझे पता है ये कब और कहाँ मिलेगा, तब देखते हैं। साला हमारी कौम का मजाक उड़ाएगा? तुझे पता भी है इस पूरी दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा की तादाद है हमारी, और 195 देश में से 50 देश से भी ज्यादा में हमारा शासन चलता है, हमारा। और तू साला हमारी कौम को हल्के में ले रहा है? हल्के में तो तुम हमें ले रहे हो। तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? वो हिंदू धर्म है। और आजकल के जो विदेशी साइंटिस्ट नई नई बातें लेकर आते हैं ना, वो हमारे ऋषि मुनि 1000 पहले ग्रंथों में लिख के जा चुके हैं। और ये जो अंग्रेज जो तुम्हारी भाषा है ना, इनके ज्यादातर शब्द हमारी संस्कृत में से लिए गए हैं। मगर अगर भाई अगर यहाँ पे बात तादाद की हो रही है ना, तो तादाद में तो दूर के बच्चे भी ज्यादा। आप ये क्या कर रहे हो? बहन तू यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ घूमने आई थी, आप क्या कर रहे हो? बहन तू अभी जा, साले कुत्ते के खून में गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसी गर्मी निकाल के आता हूँ आज। गर्मी तो तेरे खून में ही बहुत है ना, आज देखते हैं कौन कितनी गर्मी निकालता है। हाँ भाई मुझे पता है सबके खून में बहुत गर्मी है, पर ये गर्मी यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये गर्मी दिखानी है ना, तो वहाँ जाके देखो, यहाँ पे वो गरीब आदमी हॉस्पिटल में खड़ा खड़ा अपनी दम तोड़ता है, उसके बाद उसका नंबर आता है। और ये गर्मी दिखानी है ना, तो वहाँ देखो जहाँ पे वो किसान का बेटा दिन रात मेहनत करके अच्छे मारता है, जब वो नौकरी लेने जाता है तो रिश्वत मांगी जाती है, और जब अगर वो रिश्वत ना दे तो किसी अमीर बाप के बेटे को उसकी नौकरी दे दी जाती है। और अगर गर्मी दिखानी है ना, तो वहाँ देखो जहाँ पे वो गरीब आदमी के सर पे छत तक नहीं रहती है, वो सड़क पर रह के अपना गुजारा करते हैं, और कोई अमीर आदमी आके उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल जाता है, जिससे कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता। और अगर गर्मी दिखानी है ना, तो वहाँ देखो जहाँ पे वो हमारे फौजी भाई बर्फ के पहाड़ों पर खड़े रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, और कोई दुश्मन आके उन्हें गोली मार देता है। वैसे तो हमारे देश की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आज भी हमारे देश साथ ही कुछ देशों से बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख और कोई ईसाई, और सब अपने अपने धर्मों को ऊपर दिखाने में लगे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कोई धर्म बड़ा और छोटा नहीं होता। बड़ा और छोटे होती है तो हमारी सोच और हमारे अंदर की इंसानियत, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में कचरा जो भर के रखा है। दोस्तों इस दिन के बाद इन सभी ने अपनी सोच तो बदल ली, बस अब वक्त है आपको अपनी सोच बदलने का, क्योंकि इस देश की तरक्की उसी दिन हो पाएगी जिस दिन हम सब एक साथ होंगे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ अपना व्यू जरूर रखना कमेंट बॉक्स में आके, और साथ ही साथ थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।